नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को YouTube के माध्यम से एक और सुंदर औषधि से परिचय कराने वाला हूं। ये इसकी एक बेल होती है जिसको लता बोला जाता है और इसके पत्ते देखने में अंगूर के पत्तों से मिलते जुलते हैं। और तो और इसके पत्ते ही नहीं बल्कि इसके जो फल होते हैं ना, वो फल भी अंगूर के फलों से ही मिलते जुलते हैं। इनके फल गुच्छों में लगते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लगते हैं। सबसे पहले आप इस औषधि की पहचान करें। इस औषधि को जो है जंगली अंगूर के नाम से जाना जाता है। इसको जंगली अंगूर या वन अंगूर कहा जाता है। आप देख लीजिए इसके फलों को, ये देखने में बिल्कुल एकदम गुच्छों में अंगूर के फलों के समान देखने में लगते हैं और ये स्वाद में बहुत ज़्यादा पौष्टिक और मधुर होते हैं। तो ये अंगूर हैं लेकिन ये वन अंगूर हैं और हमारे यहाँ से इसको इमलोसा बोला जाता है, इमलोसा। आज मैं इस इमलोसा और वन अंगूर के औषधि गुणों के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये अंगूर सभी प्रकार के अंगूरों के फायदे देने वाला होता है और उससे भी ज़्यादा पौष्टिक है। सभी प्रकार के पुरुषों और स्त्रियों के सभी प्रकार के गुप्त रोगों को ये दूर कर देता है। ये आपके दुर्बलता को हरने वाला औषधि है। आपके डाइजेशन सिस्टम को दूर कर, जो खराब हो गया है उसको ठीक करता है। आपके सभी प्रकार के चर्म रोगों को, धातु पौष्टिकता को ये बढ़ाता है और दुर्बलता का नाश करता है। आप इसको जो पत्तियों का सौरस सेवन कर सकते हैं। जब इसके फल पक जाते हैं तो फल इसके काले काले और बहुत ही मधुर लगते हैं। इसकी जो जड़ होती है वो भी ज़्यादा पौष्टिक होती है। आप इसके कंद का चूर्ण बना करके सेवन करें तो आपकी दुर्बलता दूर होगी, आपके शरीर में पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपकी वैवाहिक जीवन खुश में हो जाएगा आदि आदि। इसके बहुत सारे गुण हैं और इसका बहुत ही अच्छा एक गुण है आपकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। और कितने भी भयंकर से भयंकर सूजन हो या भयंकर से भयंकर चोट हो, अगर आप इसको कूट करके ताज़ा इसकी जड़ ले लें, जो अभी मैंने दिखा रहा हूँ, और इसको कूट करके आप उस स्थान पर लगा दें तो रात भर में ही ये आपकी सूजन को बिखेर देता है, शरीर में जमे हुए रक्त को ये बहा देता है, जिससे आपको कैंसर होने का खतरा नहीं रहता और आपको चोट और मोच और दर्द और सूजन दूर हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी नुस्खा है और ये जड़ जो है वो बहुत अच्छी है। आप इसकी जड़ को तेल में डाल करके पका लें और तेल मात्र सिद्ध रहने पर आप उतार लें और फिर अगर आप अपने घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, बदन दर्द में, कमर दर्द में मालिश करते हैं इस तेल की, तो ये ज़रूर लाभ देगा। ये बहुत चमत्कारी योग है मित्रों, और साथ ही साथ लकवा वाले रोगी भी इस का उपयोग कर सकते हैं, इमलोसा का, जंगली अंगूर का।